अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम अल-बहरिया CSS Institute, दिस इज़ शिवा खान। आज मैं आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से कराने जा रही हूँ जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद ना सिर्फ एक अच्छी मुलाजमत हासिल की गवर्नमेंट सेक्टर में, बल्कि आज वो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफिसर्स के तौर पर सर्व भी कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद बिलावल, 16 ग्रेड के ऑफिसर हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है मिस्टर ज़िशान लतीफ़ भट्टी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, पहले तो आपसे जानना चाहूँगी, आप 16 ग्रेड के ऑफिसर हैं, जुडिशरी डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं, कुछ बताइए अपने बारे में, कुछ बैकग्राउंड बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Muhammad Bilawal and I am currently working in Lahore High Court, Lahore Subordinate District Judiciary, Punjab. बेसिकली जो शॉर्ट हैंड है वो मैंने इंटरमीडिएट के बाद 4 से 5 मंथ में मैंने कोर्स ये किया, और उसके बाद BPSC की जो सीटें आई उनमें मैंने अप्लाई किया, और उसके बाद जो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पोस्टिंग होंगी, और अब 4 ईयर हो गए हैं मुझे वहाँ पे सर्व करते हुए एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर्स बेसिक वे स्केल 16 में। तो तब से लेके अब तक जो है वो मैं साथ साथ फर्दर स्टडी भी कर रहा हूँ। अब मैंने बैचलर भी किया, उसके बाद मास्टर भी मैंने कर लिया है। अच्छा, ज़िशान लतीफ़ भट्टी सर, आप 15th ग्रेड के स्टेनोग्राफर हैं, सिविल सेक्रेटरीट में सर्व कर रहे हैं, कुछ अपने बारे में बताइए, कैसे आना हुआ इस फील्ड में आपका? मैम, आफ्टर इंटरमीडिएट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं मिल रही थी, ये एक अच्छी ऑप्शन थी मेरे लिए क्योंकि इसकी सीट्स भी काफ़ी आती रहती हैं। तो मैंने अपने टीचर से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला जी आप ये कोर्स कर लें। मैंने ये 7 से 8 माह के अंदर ये कोर्स किया था, उसके बाद सीट्स आई, मैंने अप्लाई किया, टेस्ट इंटरव्यू हर चीज़ हुई, मेरी सिलेक्शन एज अ स्टेनोग्राफर हो गई ग्रेड 15th के अंदर इन सिविल सेक्रेटेरिएट में। अच्छा, दैट्स ग्रेट, मतलब 15th ग्रेड में आप सिविल सेक्रेटेरिएट में अभी तक जॉब कर रहे हैं। बिलावल सर, आपकी तरफ आऊँगी, जानना चाहती हूँ शॉर्ट हैंड क्या है असल में, इसकी कुछ डिटेल्स बताइए हमें। शॉर्ट हैंड बेसिकली खुद एक लैंग्वेज है जो कि जो दूसरी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, उर्दू है, हम उनको स्पीड में नहीं लिख सकते, पॉसिबल नहीं है। और आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि शॉर्ट हैंड के ज़रिए हम जो है वो 100 वर्ड्स पर मिनट लिखते हैं। और इसके अलावा जो इसको बेसिकली हमने इसीलिए उन्होंने इसीलिए इसको लॉन्च किया था कि जो शॉर्ट हैंड को ऑफिस में यूज़ करने के लिए जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनके पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है, वो हमको डिक्टेशन दे देते हैं और हम उसी जो 100 वर्ड्स होता है उसको हम 1 मिनट में लिख के और हम उनको टाइप करके दे देते हैं। यही बेसिकली शॉर्ट हैंड का मकसद है। मतलब कि शॉर्ट हैंड एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि तमाम लैंग्वेजेस को प्रिसाइज करके आपको कम टाइम में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देती है, प्रिसाइज होती है। सर, आपसे जानना चाहूँगी शॉर्ट हैंड का असल में फ़ायदा क्या है, इसके अलावा और क्या फ़ायदे हैं? ये तो ज़ुबान हमने सीख ली, हमें लिखना आ गया, अब फ़ायदे क्या होते हैं सीखने से? मैम, फर्दर ये है कि आप एक अच्छे सेक्टर में एक अच्छी जॉब मिल जाती है, फर्दर इसके साथ प्रमोशन होती रहती है। ये नहीं कि हम ग्रेड 15 में गए हैं तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 10-20 ईयर्स हम ग्रेड 15 में रहेंगे, इसके साथ फर्दर प्रमोशन होती है। 5 to 6 ईयर्स के बाद आप फर्दर आपकी होती जाती है, यानी कि 16 में 17 में एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट आप एक अच्छे ग्रेड में रिटायर होते हो, और गवर्नमेंट सेक्टर का तो आपको पता है कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट सेक्टर का फायदा ही फायदा है। बिलावल सर, आप बताइएगा जॉब्स किस किस डिपार्टमेंट में मिलती हैं? गवर्नमेंट के तो बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में जॉब मिलती है? मैडम, यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो इनके जो फेडरल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा जो पंजाब लेवल के डिपार्टमेंट्स हैं, और इनके सब डिपार्टमेंट में इसकी जॉब्स आती हैं। और इसके अलावा यहाँ पाकिस्तान तक नहीं, इसके बाहर के ममालिक में भी इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। और इसके अलावा जो हम शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमें और भी बहुत ज़्यादा ऑफर्स हो रही हैं कि आप प्राइवेट हमें ज्वाइन करें, प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो हमें हम अप्रोच करती हैं कि आप हमारे साथ आएँ, जो पार्ट टाइम में हम हमें टाइम दें, लेकिन वो टाइम की शॉर्टेज होती है, हमें और भी स्टडी भी फर्दर करनी होती है। मतलब आपका मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आप इससे फ्रीलांसर के तौर पर भी अर्न कर सकते हैं, दैट्स गुड सर। लेकिन ये तो हो गया बॉयज के लिए सारे फायदे, मेल्स को मिल गए, व्हाट अबाउट फीमेल सर? फीमेल के लिए कोई स्पेशल कोटा रिजर्व कर रखा है गवर्नमेंट ने? बिल्कुल, अब जैसा कि हर डिपार्टमेंट में जब भी जॉब्स आती हैं उसके साथ साथ फीमेल्स का कोटा रखा जाता है, लेकिन जब जो ये डिपार्टमेंट है, जो ये लैंग्वेज है, ये अमूमन जो है लोगों का अवेयरनेस नहीं है और फीमेल्स जो इसको टेकअप नहीं लेती, तो इसमें जो है वो फीमेल्स बहुत ही कम सिलेक्शन होती है फीमेल्स की, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है, वो उनको पता नहीं है कि इसकी जॉब की इंपॉर्टेंस क्या है। और अभी जो लेटेस्ट जॉब्स आई हैं PPSC के डिपार्टमेंट्स में, उसमें लड़कों से ज्यादा फीमेल्स का कोटा रखा गया है, 90 जॉब्स जो हैं वो फीमेल्स की उन्होंने उनका कोटा डाला है, कोटा रिजर्व कर रखा है। सर, फीमेल्स के लिए भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें, मेल्स के लिए भी हैं, बट क्या वजह है कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग इसकी तरफ जाते हैं, क्या रीज़न है इसमें? मैम, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हम लोगों को पता ही नहीं है कि इसका कितना वाइडर स्कोप है,
लोगों को अभी इसका पता नहीं चल रहा कि बस वो देखते हैं कि सीट्स आई हैं पर अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि टेस्ट क्या होगा उनका। इसीलिए उनके लिए ये स्पेशली है कि सबसे पहले इसकी वो तैयारी करें, 5-6 माह के अंदर एक बंदा बड़ा अच्छे तरीके से इसको सीख सकता है, और साथ में आप टाइपिंग भी सीखते हो तो इसके लिए फिर अच्छा होता है कि जब वो 5-6 माह के अंदर सीख लेगा, जैसे कि सीट्स आती हैं अप्लाई करें और एक अच्छे ग्रेड में जाके बैठ जाते हैं। अच्छा सर, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या पढ़ा होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन हो, क्या डिग्री हो आपके पास? मिनिमम इंटरमीडिएट। मिनिमम इंटरमीडिएट, और आपको 15 ग्रेड की जॉब मिल जाती है। ओके, ग्रेड की बेस पे मैम ये जॉब में मेरी सिलेक्शन हुई है। दैट्स ग्रेट सर, 15 ग्रेड की जॉब आपको मिनिमम इंटरमीडिएट बेस पे मिल जाती है। सर आखिर पे मैं आपसे चाहूंगी आप दोनों एक ऐसा मैसेज स्टूडेंट्स को डिलीवर करें जो अल-बहरिया के प्लेटफॉर्म से उनके लिए फायदेमंद साबित हो सके। जी बिल्कुल, अब देखें, अब एक इंसान है उसमें इंटरमीडिएट की जो है वो उसकी स्टडी है, लेकिन उसका एक ख्वाब होता है कि मैं एक अच्छी स्केल में जाऊं, मेरा एक स्टेटस हो, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि जब वो इंटरमीडिएट की बेस पे जब वो 15 स्केल ले लेता है। अब आप देखें कि जो सब इंस्पेक्टर का स्केल है वो 14 है, और वो सब इंस्पेक्टर के स्केल को क्रॉस करके जब जाकर 15 पे बैठ जाता है, अगर उसकी बैचलर स्टडी है तो फिर वो जाके 15 पे बैठ जाएगा, अगर उसकी मास्टर है तो फिर वो 17 और 18 तक जाएगा। तो फिर ये बेसिक चीज़ होती है। जब मैं अपनी बात करूं, मैं अब 16 में हूं, अब मैं 16 से 15 पे तो नहीं जा सकता, मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि मैं 17, 18 और अपना जो है वो स्टेटस और ऊपर लेके जाऊं, तो फिर जो इंसान की माइंड लेवल होता है वो और ज़्यादा ओपन हो जाता है, अपने आप को जो स्टेटस जो ब्राइट फ्यूचर जो उसने ख्वाब देखे होते हैं उनको पाए तक जल्दी पहुँचाने के लिए ये एक शॉर्टकट होता है, जिसमें 5-6 महीनों के अंदर अंदर बंदा जो है वो खुद को अचीव कर सकता है। मैं इनकी बात से कंटिन्यू करूंगा कि लाजमी है कि हम जैसे कहते हैं गेट 15 की ज़्यादा से ज़्यादा क्या सैलरी होगी, 20,000 या 25,000, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आजकल अलाउंसेज हैं, बिल्कुल इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो चुकी हुई है, अराउंड अबाउट 45-50 स्टार्टिंग पे आपको पे मिल जाती है। तो आपको और क्या चाहिए, इंटरमीडिएट आपने किया होगा, 50,000 आप सैलरी ले रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, लाजमी नहीं कि हम इस पे ही बाउंड होकर रह जाएं, बंदा फर्दर आगे स्टडी करे और आपके लिए एक बड़ा बेसिकली आपको ये फ़ायदा होता है कि इससे आपकी जो है एंट्रेंस है वो हो जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में, और आप फर्दर आगे प्रमोट होते जाते हो ना, आप इसको फर्दर इसको कंटिन्यू करो, आपके पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। स्टेनोग्राफर सीखने से ना सिर्फ आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलती है बल्कि आपको अदर फर्दर अपॉर्चुनिटीज के लिए चांसेस मिल जाते हैं। तो आप सबको भी मैं यही कहूँगी कि शॉर्ट हैंड को सीखने में देर मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके इसको अपना लीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।